दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने में आपको जो लक्षण दिखाई देंगे वो मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, आपको थकान हो सकती है, आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। बार बार टॉयलेट का आना, कब्ज, योनि में स्त्राव, पैरों में ऐंठन और आपके नेचर में चेंजमेंट यानी कि स्वभाव में बदलाव। दोस्तों, हार्मोन चेंज होने की वजह से कुछ लेडीजों के मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है और गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, सीने में जलन होना, बार बार खाने का दिल करना, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने तक आपका गर्भाशय अंगूर के आकार का हो जाता है। सिर्फ पेट ही नहीं, तीसरे महीने तक शरीर में और भी कई सारे चेंजमेंट आ जाते हैं, जैसे कि स्तन भारी हो जाता है, नसें दिखाई देने लगती हैं, आपका वेट भी बढ़ जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय के तीसरे महीने में पेट और स्तनों के बढ़ने के कारण आपको यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स भी नजर आ सकते हैं। आपकी जो स्किन है वो सूखी होने लगेगी और वहां पर इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में आपको साबुन का यूज नहीं करना है, मॉइस्चराइजर, ग्लिसरीन वगैरह आपको यूज करना है, या फिर आप कोकोनट ऑयल लगाइए ऐसी जगह पे, तो आपको इचिंग कम होगी। पेट पर काली लकीर उभर आएगी। दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने में बच्चे का विकास और उसका आकार कितना होता है, तो तीसरे महीने तक गर्भ में जो भ्रूण होता है उसका आकार बेर या फिर नींबू जितना होता है। तीसरे महीने के अंत तक यानी 12वें सप्ताह तक आपका बच्चा लगभग 2.5 इंच लंबा हो जाता है। उसका वजन लगभग 28 ग्राम के आसपास हो सकता है। इस दौरान बच्चे का दिल काम करना शुरू कर देता है। किडनी, आंखों व जननांग का विकास इसी महीने होता है, तो आप अपने खान पान का अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे में आपको खाना क्या चाहिए। दोस्तों, इस महीने में आपको जी मिसलाने की समस्या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो ऐसे में आप विटामिन सी से भरपूर चीजें खाइए। अंडे, हरी सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, वो आप खा सकती हैं। इसी तरीके की और भी चीजें आप अपने खाने में शामिल कर सकती हैं। दोस्तों, गर्भावस्था में ताजे फलों का जूस पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यह आपको सभी जरूरी विटामिन जो होते हैं वो देता है, तो आप ताजे फलों का जूस जरूर पीजिए, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए। इसके लिए आपको जूस पीना है, पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, मतलब जितनी लिक्विड वाली चीजें हैं वो ज्यादा लेनी है। इसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें भी खानी है, जैसे साबुत अनाज के साथ साथ गेहूं के आटे की ब्रेड, चावल, आलू, इससे भी खान पान में अपने शामिल करिए। आयरन और फोलेट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं ये आप अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे का विकास अच्छी तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए चुकंदर, चीकू, ओटमील, बीन्स, संतरा, आलू, ब्रोकली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये अपनी डाइट में शामिल करिए। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की जरूरत आपको और आपके शिशु दोनों को ही होती है, तो इसके लिए आप अपने खाने में दूध, दही, पनीर ये खाइए, और घी खा रही हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में खाइएगा, ज्यादा क्वांटिटी में आपको घी नहीं खाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और एक चीज और, आपको क्या नहीं खाना है इस चीज का भी प्रॉपर और अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आप वॉकिंग कर लीजिए मॉर्निंग में या इवनिंग में। वॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।